हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्रिकेट से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। तो बिना देरी के वे वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट जो है आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम 1 जुलाई को वेस्ट इंडीज दौरे पर रवाना होगी, जल्द ही टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के वेन्यू बदलने के विचार को रिजेक्ट कर दिया है। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो बीसीसीआई ने नेशनल लीड स्पॉन्सर के लिए 350 करोड़ का बेस्ट प्राइज रखा है। पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में एलईडी फ्लड लाइट्स लगाया जाएगा वर्ल्ड कप से पहले। छठी बड़ी खबर की बात करें तो आईसीसी और बीसीसीआई जो है अगले सप्ताह वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट रखेगा शेड्यूल जारी करने को लेकर। सातवीं बड़ी खबर की बात करें तो सीएसके के सीईओ ने कहा कि एमएस धोनी रिकवर हो रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, 3 महीने आराम करने के बाद वे फिर से रिहैब करेंगे। आठवीं बड़ी खबर की बात करें तो सीएसके के फैंस इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि न्यूज 18 के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि एमएस धोनी 2024 आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। नौवीं बड़ी खबर की बात करें तो पीसीबी चेयरमैन ने कन्फर्म कर दिया कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के साथ खेला जाएगा। दसवीं बड़ी खबर की बात करें तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि लॉर्ड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पे वे पलटवार करेंगे।